नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तमिलनाडु के मिड डे मील मॉडल की तर्ज पर बिहार सरकार भी करेगी मेन्यू में सुधार। आपदा से निपटने के लिए आपदा प्राधिकरण ने ऑनलाइन डाटाबेस किया तैयार। अजगैवीनाथ धाम में विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला आयोजित, कांवड़ियों का लगा जत्था। NH-19 पर बिष्णुपुरा में रोड ओवर ब्रिज जल्द होगा शुरू, छपरा से पटना आना होगा आसान। भारतीय टीम के लिए कब तक खेलेंगे रोहित विराट, गौतम गंभीर ने दिया जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। विधानसभा की कार्यवाही हुई स्थगित, वित्त मंत्री ने पेश किया अनुपूरक बजट। आज सोमवार 22 जुलाई को बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और कुछ समय बाद ही इसे कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई थी। आज पहले ही दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। वहीं अब 25 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। वहीं मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही बिहार विधानसभा परिसर में पहुंचे CPI के विधायकों ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान विपक्ष ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग की और साथ ही बिहार में पुल गिरने का मुद्दा भी उठाया। इस सत्र के दौरान कई विधेयक पारित किए जाएंगे। बता दें कि आज से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा और इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। तमिलनाडु के मिड डे मील मॉडल की तर्ज पर बिहार सरकार भी करेगी मेन्यू में सुधार। बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए चल रही मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील स्कीम के तहत आने वाले दिनों में बच्चों को हर दिन अंडा या फल खाने दिया जा सकता है। बिहार की नीतीश सरकार PM पोषण योजना के तमिलनाडु मॉडल पर फिदा हो गई है। बिहार सरकार ने तमिलनाडु में मिड डे मील का प्रेजेंटेशन मंगवा कर देखा है और अब बिहार सरकार के अधिकारी योजना को समझने और सीखने के लिए तमिलनाडु जाने वाले हैं। तमिलनाडु में बच्चों को हर रोज सुबह नाश्ता और दोपहर के भोजन में हर रोज एक अंडा या केला दिया जाता है, जबकि फिलहाल बिहार में हर सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन बच्चों को अंडा या फल खाने को मिलता है। अब नीतीश सरकार तमिलनाडु की ही तरह मिड डे मील में बदलाव करने की तैयारी में है। आपदा से निपटने के लिए आपदा प्राधिकरण ने ऑनलाइन डाटाबेस किया तैयार। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा आपदा से निपटने के उपायों की बेहतर व्यवस्था, जागरूकता और पहले से अधिक तैयारियों के लिए ऑनलाइन डाटाबेस तैयार किया गया है। इसे आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप BSDRN ऐप विकसित किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला, अनुमंडल और अंचल स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में रविवार को आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता देवेंद्र प्रताप शाही द्वारा इस ऐप पर आपदा से निपटने के लिए जरूरी उपकरणों, संसाधनों और आवश्यक सामग्रियों की जानकारी जुलाई के अंत तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। यह बैठक बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क के क्रियान्वयन के तहत आयोजित की गई थी। इस ऐप के माध्यम से उपकरणों, संसाधनों और आवश्यक सामग्रियों की जानकारी आपदा के समय उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कि समय पर स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। अजगैवीनाथ धाम में विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला आयोजित, कांवड़ियों का लगा जत्था। भागलपुर में एक पहाड़ी पर बाबा अजगैवीनाथ का मंदिर अवस्थित है। इस पहाड़ी पर पालकालीन एवं गुप्तकालीन प्रस्तर शिल्पों को देखने देश विदेश से पर्यटक प्रायः शीत ऋतु में यहां आते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा प्रवाहित होने की वजह से अजगैवीनाथ धाम कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यही वजह है कि सावन माह में यहाँ भव्य रूप से श्रावणी मेले का आयोजन किया जाता है। देश में लगने वाले मेलों में ये सबसे बड़ा मानव मेला है। वर्ष 1978 में रेडियो BBC ने इसे विश्व का सबसे बड़ा मानव मेला बताया था। इस प्रसिद्ध मेले से देश विदेश के कांवड़ियां अजगैवीनाथ धाम पहुंचते हैं और पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर पैदल देवघर पहुंचकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्वप्रथम श्रावण माह में भगवान राम ने उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर देवघर के बाबा वैद्यनाथ के रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किया था और तभी से इस परंपरा की शुरुआत हो गई। NH-19 पर बिष्णुपुरा में रोड ओवर ब्रिज जल्द होगा शुरू, छपरा से पटना आना जाना होगा आसान। छपरा से पटना आने जाने वाले लोगों को हो रही परेशानी से लोगों को अगस्त महीने तक निजात मिलने की संभावना है। छपरा डोरीगंज के बीच NH-19 पर बिष्णुपुरा में जो ROB पुल है वह पिछले वर्ष नवंबर में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस वजह से इस पुल पर वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इस पुल को बनाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। विभाग द्वारा दावा किया गया है कि 5 अगस्त तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा।
इसके बाद 4 सप्ताह तक इसे क्योरिंग के लिए बंद रखा जाएगा और इसके बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। अगस्त के अंत तक इस पुल से आवागमन शुरू हो जाने की संभावना है। पंचायत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया अपनाने के फैसले पर पुनः विचार करेगी राज्य सरकार। बिहार के पंचायतों में सभी तरह के विकास कार्यों में टेंडर प्रक्रिया अपनाने के फैसले पर अब बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई है। बिहार सरकार अब अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करने वाली है। राज्य के विभिन्न पंचायतों के मुखिया के विरोध के बाद नीतीश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया। इस बारे में राज्य सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने रविवार को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश को फाइल भेज दी गई है। इस पर सीएम नीतीश फैसला लेंगे। नीट यूजी परीक्षा में बिहार के छात्र के अजब कारनामे से लोग हैरान। नीट यूजी परीक्षा 2024 के सेंटर वाइज घोषित रिजल्ट के अनुसार मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले 11,000 से अधिक अभ्यर्थियों को शून्य या नेगेटिव में अंक मिले हैं। सबसे कम अंक बिहार के एक केंद्र से आए हैं। पटना के सत्यम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एग्जाम सेंटर पर एक छात्र के -180 अंक आए हैं। किसी छात्र के -180 अंक आने का मतलब है कि उसने नीट यूजी परीक्षा में सभी प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। सोशल मीडिया पर -180 अंक के इस स्कोर से लोग हैरान हैं और सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी ले रहे हैं। एनटीए द्वारा शनिवार को जारी शहर और केंद्रवार परिणामों के विश्लेषण के अनुसार 2,250 से अधिक अभ्यर्थियों को शून्य अंक मिले, जबकि 9,400 से अधिक अभ्यर्थियों को नकारात्मक अंक मिले हैं। जीतन सहनी हत्या मामले में काजिम अंसारी से पुलिस गुप्त स्थान पर कर रही पूछताछ। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले में मुख्य आरोपित काजिम अंसारी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार उसे बिरौल में किसी गुप्त जगह पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक की पुलिस की जाँच में सूद ब्याज और शराब एंगल सामने आया है। पुलिस का कहना है कि काजिम अंसारी से पूछताछ में कई नई जानकारियां मिल सकती हैं। बता दें कि शनिवार की शाम को कोर्ट ने काजिम अंसारी को 2 दिनों की रिमांड पर पुलिस को सौंपा था। आज से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र। रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। आज 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज से शुरू हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है। इस सत्र में 22 दिनों की अवधि के दौरान 16 बैठकें होंगी। वहीं कल यानी 23 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले आज सुबह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि बैसाखी पर टिकी सरकार के चमत्कार का उनको इंतजार है। राजधानी पटना में सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में हुए खास इंतजाम। भगवान शंकर का प्रिय महीना सावन की आज से शुरुआत हो गई है और आज सावन के पहले ही दिन सोमवार भी है। आज सावन के पहले दिन शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव को जलाभिषेक रुद्राभिषेक कर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन को लेकर सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में राजधानी पटना में सभी मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। कहीं श्रद्धालुओं के लिए अलग से पुजारियों की व्यवस्था की गई है तो कहीं रुद्राभिषेक के लिए बुकिंग की गई। राजधानी पटना के पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, सरपेटाइन रोड स्थित पंच शिव मंदिर, कंकड़बाग के जलेश्वर महादेव मंदिर, कदम कुआं का शिव मंदिर, बांसघाट स्थित काली मंदिर, खाजपुरा का शिव मंदिर, बोरिंग रोड व राजापुल के शिव मंदिरों को आकर्षक बल्बों से सजाया गया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन शत्रुघ्न सिन्हा ने ग्रहण की लोकसभा की सदस्यता। संसद के बजट सत्र के शुरुआत होने के पहले दिन यानी आज सोमवार को अभिनेता से राजनेता बने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने लोकसभा सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की और संसद के पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले वे शपथ ग्रहण समारोह में शत्रुघ्न सिन्हा पारिवारिक कारणों से शामिल नहीं हो सके थे। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लगातार दूसरी बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। बेऊर जेल में जेल प्रशासन ने की छापेमारी। जेल में 2 मोबाइल हुआ बरामद। बेऊर जेल के हाई सिक्योरिटी कहे जाने वाले गोलघर सेल में रविवार को जेल प्रशासन ने ताबड़तोड़ 2 बार छापेमारी की। जेल प्रशासन को पक्की जानकारी मिली थी कि वहां मोबाइल है, मगर जेल प्रशासन को पहली बार छापेमारी के दौरान कुछ भी नहीं मिला।
पुख्ता जानकारी मिलने के पश्चात बेऊर जेल अधीक्षक विधुर कुमार के आदेश पर कारा प्रशासन की टीम द्वारा दोबारा छापेमारी की गई तो एक स्मार्टफोन और एक कीपैड मोबाइल फोन बरामद किया गया। स्मार्टफोन कबूतर के रहने की जगह से बरामद किया गया तो वहीं कीपैड मोबाइल फोन शौचालय से मिला। इस बाबत बेऊर थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जेल प्रशासन पता लगाने में जुटी है कि दोनों मोबाइल में लगा सिम किसके नाम से है और कब से जेल में काम कर रहा था। भाजपा के अवधेश नारायण सिंह को मिला राबड़ी देवी का समर्थन। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बिहार विधान परिषद के सभापति के लिए भाजपा के अवधेश नारायण सिंह ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही राबड़ी देवी ने अवधेश नारायण सिंह की प्रस्तावक बनकर सबको चौंका दिया। वहीं उनसे इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने भाजपा के अवधेश नारायण सिंह को समर्थन क्यों दिया तो उन्होंने कहा कि अवधेश नारायण सिंह सर्वसम्मति से सभापति बनाए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रस्तावक के रूप में अवधेश सिंह का समर्थन किया है। दिल्ली के लिए रवाना हुए लालू यादव, पटना एयरपोर्ट पर नीतीश सरकार पर बोला हमला। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए। मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वहीं दिल्ली के लिए रवाना होने से पूर्व पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर करारा प्रहार किया। आपराधिक घटनाओं का जिक्र कर उन्होंने बिहार की डबल इंजन सरकार को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध पर कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय टीम के लिए कब तक खेलेंगे रोहित विराट, गौतम गंभीर ने दिया जवाब। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद गौतम गंभीर ने पहली बार मीडिया से बात की है। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के रवाना होने से ठीक पहले गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। इस दौरान गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के भारतीय टीम के लिए कब तक खेले जाने को लेकर भी जवाब दिया। गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित विराट में अभी काफी क्रिकेट बची है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, टेस्ट सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया दौरा भी है, अगर वो फिट रहे तो 2027 का वर्ल्ड कप भी है। उन्होंने कहा ये काफी निजी फैसला होता है कि किस खिलाड़ी में कितनी क्रिकेट बची है, ये दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है हरेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, विकास कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राकेश मिश्रा, गोनर शर्मा, छोटू राजा, सादुल्लाह पालवी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रवि कुमार राम, संजीव कुमार, संघर्ष कुमार, प्रेम कुमार पटेल, कुश कुमार यादव, नवनीत कुमार, सोनू कुमार, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, उमेश ऋषिदेव, मुकेश कुमार पंडित, अनवर करीम खान, नंद कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार के बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।